अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन और शहर रमज़ान है इफ्तार आमिर के साथ। इस वक्त हम अपने नेकी के मेहमानों के साथ हैं और आइए कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू अपने मेहमानों से करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जी, ये जो हमारे मेहमान आ जाए हैं नाज़रीन किराम, जुम्मतुल विदा के दिन, मोहम्मद हुसैन नाम है आपका? जी शेख मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन नाज़रीन किराम ऐसे चार बच्चों के बाप हैं जो फूल तो हैं मगर माजूरी से मसले हुए हैं, चारों और ये एक अस्पताल के आप चपरासी हैं? सिर्फ चौकीदार जी, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल करीब कर लीजिए, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चौकीदार जी। तो आप अपने बच्चों को इलाज नहीं करा सकते उनका? जी सर। और आपका एक बेटा करंट लगने से जाँ भाग गया? जी, एक करंट लगने से जाँ भाग गया और चार बच्चे ये माजूर हैं, बस कुदरत का नज़ारा है, अपनी तौफीक इसमें कोई नहीं छोड़ता है मगर वक्त इसकी वजह से। 18 साल बेटी और तीन बच्चे पोलियो का शिकार है जी, सूखे के मरीज हैं जी। दिखाएंगे ज़रा बच्चे, ये भी आपके साथ हैं जी। इसको क्या है, ये सही है? ये भी नीचे पाँव जो घूम गया इसका। अच्छा, चलता है तो गिर जाता है। तो आपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाए? जी सर पिलाए थे, मगर पहले मशीन का काम करता था, समंदर का। हाँ, पहले समंदर का काम करता था, उस टाइम में यही हाल है जो अभी है। इसी भूख की दौड़ में जो ना हम लोग, थोड़ी हमारी गलती थी जो पूरे पूरे कतरे नहीं पिला सके। अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? इसका नाम मुहाजरा। मुहाजरा? हाजरा। हाजरा। और इसका नाम? इसका मुबारक अली। मुबारक जी। और ये? दिलबर अली। दिलबर अली, मुबारक अली, हाजरा और नज़ीर अहमद। हाँ, नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद, नज़ीर अहमद तो बड़ा खुश है भाई। हाँ, इंशाल्लाह। ये तो अब आप, अच्छा अब आप क्या चाहते हैं कि इलाज हो जाए इनका, बच्चों का इलाज के लिए क्या डॉक्टर किसी के पास गया, किसी डॉक्टर को दिखाया कभी? जी जी, डॉक्टरों के पास गया था, सेवल में भी। ये आपकी अहलिया है, बेगम है आप? बेगम है। और ये आपकी बेटी है? बेटी है आपकी। तो आपने दिखाया, फिर क्या बोले? बोला इसका इलाज तो काफ़ी बहुत कोशिश की डॉक्टरों ने, मगर इलाज नहीं, इसके ऊपर कोई लगा नहीं। फिर गवर्नमेंट का जॉब दिया था जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। आप इसको दिखाएंगे मुझे, मैं ताकि लोगों को दिखाऊं कि नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं। और अब ये आप पर डिपेंड करता है, आखिरी दिन है रमज़ानुल मुबारक के और रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहा है, नेकियों का महीना है, नेकियों की बहार है। कोई है जो इस बच्चे का इलाज कराए? कोई है जो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए? इलाज हो सकता है इसका जी, है ना जी? इलाज जब सेवन में मैं था तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज है मगर बहुत लंबा इलाज है और इसको कोई बैरूनी इलाज हो सकता है, या तो उसको अपने कुछ खाने पीने के लिए इसको जो ना दो, जो अपनी ज़िंदगी जो भी है गुजर जाए, बाकी यहाँ पे तो इलाज नहीं है। एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं तो नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप फरमाइए जी। मैंने आपके अकाउंट में 400 पाउंड जो पाकिस्तान करेंसी में 56,000 थी, आप जिसे भी चाहें मतलब डोनेट कर दें। 56,000 रुपये 400 पाउंड एक खातून ने दिए हैं, वो आपकी खिदमत में दे दिए जाएंगे। 56,000 पाउंड आए हैं और सॉरी 56,000 रुपये आए हैं, तो इंशाल्लाह देखिए करते हैं कुछ ना कुछ। डॉक्टर्स का कहना क्या है कि इलाज तो हो सकता है लेकिन किसी बड़े अस्पताल में होगा। बड़े अस्पताल में होगा और जो ना इसका खर्चा बहुत लंबा है। कितना अंदाजन? उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना है मगर उन्होंने बोला इन चारों बच्चों का इलाज हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, एक तो आप मुझे बताइएगा पूछ के
कि कितना है, मैं आपसे रबते में रहूँगा जी। कितना और किस डॉक्टर के पास आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं? मैं पहले सेवल में गया था, फिर जिना में भी दिखाया था। ठीक, मैं पहले आपकी दो तीन मसले तो हल करूँ। देखें, एक तो आप ये अपने पास रखिए राशन कार्ड, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से है, इसमें देखिए ये आपका राशन कार्ड है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट में इस्तेदात रखी है और इनमें जब तक ताकत है, राशन का आपका इंतज़ाम अल्लाह हर महीने होगा। उसमें आपको ये थैला मिला करेगा, लेकिन चूंकि आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा राशन देंगे, और इसमें दालें, चावल, चाय की पत्ती, मसाले सब कुछ इसमें मौजूद हैं, और ये आटे की एक थैली मिलेगी, और साथ साथ आपको ये एक तेल का डब्बा कुकिंग ऑयल ये भी मिलेगा। ठीक है ना? उसके अलावा ये महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से, ये आपके भाई की तरफ से आपके लिए कुछ एक छोटा सा तोहफा है। मेहरबानी सर, अल्लाह इसमें इतना कुछ है कि अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए तो खुशी आपके चेहरे पर ज़रूर आएगी। ठीक है, अल्लाह खुश करके आप। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद हुसैन की कौन मदद करेगा ये अब आप लोगों को इसमें। अच्छा जी, ये यूनाइटेड स्टेट से आए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, ये यहीं पर रह रहे हैं, उनकी तरफ से ये आपके लिए। ठीक, इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको खुश व खुर्रम रखे। और ये पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, दर्द रखते हैं अपने मुल्क का। जी अच्छा, अच्छा बिल्कुल ठीक। हाँ, और एक और मैं ऐलान करना चाहता हूँ, जो आपने बताया कि इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, हाँ, तो मैं अपना नंबर और वो छोड़ देता हूँ यहाँ पे। सही, कि इनके महीने का जो भी राशन, बच्चों हाँ, का दूध, दवा, ये वो मेरी हम इलाज में शामिल करवा दें। ठीक है, ये हम करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। महीने के इनके पूरे घर का राशन, पूरे घर का आपके महीने का राशन, और जो बच्चों का दूध और जो फल फ्रूट जो भी डॉक्टर इनको राशन का इंतजाम है। आप बस मैं क्या कहूँगा आपसे, एक गोश्त का इंतजाम कभी करवा दिए। वो देखो, ये मेरा नंबर, मैं इनको अभी दे दीजिए, आप अभी इनको दे दीजिए। ये आपको आपके घर में गोश्त डलवाना, बच्चों के लिए फल फ्रूट, ये तमाम चीज़ें, इलाज के लिए भी इन्होंने पैसे दिए, मैं ताकि उसमें सब शामिल करूँगा, ताकि आपको जब रकम एक साथ दी जाए। जी, मेरा नाम कार्ड है, शारिक नाम है मेरा। ठीक है, तो आप मुझे हर महीने राके अपना जो भी है वो मुझसे ले लिया करें। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबान। लीजिए, ऊपर से भी आमिर लियाकत ने दिया आपको कुछ, माशाल्लाह। ये आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, इसमें आपके लिए कपड़े हैं और इसमें कुछ जानमाज भी है, और ये आपके लिए एक और लिफाफा। ठीक है ना? बाकी 56,000 रुपये और हुए हैं, कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं, सब मिलाकर जी ऑडियंस में से किसने दिया? और आ गया, ये हमारी फैमिली है पूरी, सब घर के लोग हैं, तो आप ये मत समझिएगा। मैं आपको पता है मैं सबके पास नीचे क्यों बैठता हूँ, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि हम किसी को, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि हम किसी को भीख दे रहे हैं, बल्कि हम तो खुद आपके पास भीख लेने के लिए बैठते हैं, दुआओं की भीख। ठीक है, तो आप कभी भी ये मत समझिएगा, अल्लाह ताला सब बेहतरी करेगा। देखिए, एक अम्मा और आई हैं आपके लिए चलती हुई, माएँ भी आ रही हैं, सब आ रहे हैं, ये आपके पूरे, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।